या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में नौमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौमी नवदुर्गाओं में सिद्धिदात्री का दिन, मां सिद्धिदात्री क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनकी कथा क्या है, इनकी पूजा का विधान, और आज जो लोग नौमी करेंगे वो क्या विधि विधान से पूजा करें और किस प्रकार से कन्या पूजन करें, आज हम यही समझते हैं। कौन सा वो महा उपाय जिसके करने से घर में धन धान की कृपा होती है और रोग कोसों दूर चला जाता है, किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा नहीं होती। सबसे पहले तो माँ के स्वरूप का हम वर्णन करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि माँ का ये स्वरूप कैसा है। माँ उस आसन पे हैं जिसको देख के मन प्रसन्न होता है। पुष्प का आसन जब लेती है ना माँ, मैं तो सिंह पर सवार लिखा गया है मगर यहां पर लिखा है कि माँ जब पुष्प पे आ जाती है, कमल पुष्प, ये संकेत क्या दे रहा है, अब मां के पास सर्व शक्तियां प्रदान करने के लिए आप उनसे पाने के लिए तैयार हो, मां के पास हैं। भाई बाबा ने भी तो लिए हैं, वो हम कथा में बताएंगे आपको। मां की कृपा अब आप पे बरसने वाली है क्योंकि आपने 9 दिन उपवास रखा, शरीर को बिल्कुल स्वच्छ बना के रखा। अब माँ के 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा में एक हाथ में माँ के चक्र, यहाँ पर दूसरे ही सीधे हाथ में गदा और शंख आ गया अब उल्टे हाथ में और एक में कमल पुष्प। सिद्धिदात्री को सभी देवी देवता नमन करते हैं। अब ये स्वरूप इनका अगर हम विस्तार रूप से वर्णन करें तो अब हम कहाँ पहुँच गए, मणिलोक में पहुँच गए। हम मणिलोक का वर्णन करेंगे। अब मणिलोक का वर्णन कैसे करेंगे, जहाँ पर माँ का कैसा स्वरूप है, कैसा माँ का जो प्रांगण है वो कैसा है, वो सुने सबसे पहले। दूर दूर तक कोई रोगी नहीं है, दूर दूर तक कोई दरिद्र नहीं है, दूर दूर तक कोई कलेश नहीं है, दूर दूर तक कोई किसी प्रकार के संकट बाधा में नहीं है, ये दूरी नहीं है, वहां एंट्री नहीं है इसकी, ये वो लोक है मणिलोक। वहां पर इस प्रकार का कोई प्रवेश निषेध लिखा है, जन्मी नहीं है। क्या है वहां, सुख, ऐश्वर्यता, संपन्नता, दीर्घायु, जिसमें कोई आयु का अंत ही ना हो, अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं, जो मां के लोक में चला गया फिर जन्म नहीं, वो वहीं का वासी हो गया, मणिलोक का वासी हो गया। आप पढ़ें देवी भागवत में 44 परकोटे हैं, जैसे हमारे यहां घर में आते हैं कि एक एंट्री के बाद दूसरी एंट्री हो गई, बड़े घरों में देखेंगे, छोटे घरों में तो नहीं मिलेगी, एक कमरे के बाद दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के बाद तीसरा, परकोटे कहे गए, परकोटे का जिक्र है, परकोटे, एक परकोटे से दूसरे परकोटे, और हर परकोटे में खंबे लगे हैं, खंबों में खंबे, यानी कि महल कितना बड़ा होगा और वो खंबे किस चीज के लगे हैं, मणि के, रतन के, ये जो आप पुखराज वगैरह पहनते हैं ना, नीलम पुखराज, गोमेद, हीरे पन्ने, जितने
नौरत्न पहनते, उन नौरत्नों के खंभे लगे हैं। उसके बाद जब आप पूरे में अंडर एंट्री करते हैं 44 पर कोटे के बाद, महामाई का एक बहुत बड़ा सुंदर भवन है जिसको जिसका ओर छोर नहीं दिखाई देता, ना उसका अंत ना आदि, कुछ नहीं दिखाई देता। उस के अंदर इतना विशाल विशाल बहुत विशाल है, देवी भागवत में लिखा है, उसके ऊपर माँ का एक आसन है। सभी देवी देवता वहां जाके शरण में प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे किसी प्रमुख व्यक्ति के आने से सभी लोग उसकी सभाओं में जाके प्रतीक्षा करते रहते हैं, वैसे ही उस लोक में, मणि लोक में, अब 18 भुजाले वाली माँ कब प्रकट हो, कब वो दर्शन दे, 18 भुजा, और उनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो भुजाएं हैं सब वो माँ की, सभी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने अस्त्र शस्त्र हम नव दुर्गाओं में कहे सब एक साथ विराजित हैं। ये स्वरूप है वो, इसलिए गदा है, इसलिए चक्र है, इसलिए शंख, अब शंख बज गया, आसन पे आ गई ना, तो शंख बज गया। तो वो महा भुवनेश्वरी का भवन है, वहां से लक्ष्मी, काली, सरस्वती, दुर्गा, चंडी सभी स्थानों पे जो देवी के सिद्धपीठ हैं, वो शक्तियां वहीं से निकल के आती हैं। ये वो माँ का, अब वो इस स्वरूप का और वर्णन कर देते हैं, समय का अभाव है, कि उनका जो मुखारविंद है वो मात्र दर्शन से तो बहुत, दर्शन तो करे नहीं है, मात्र सुनने मात्र, जो देवता दर्शन करते हैं, देवता कहते हैं कि वो दर्शन पाने के लिए उस मुखारविंद को सदियों तक तपस्या करते रहते हैं। और यही कली काल में, इस कलयुग में, अगर कोई व्यक्ति उस मुखारविंद का स्मरण मात्र से मानसिक रूप से भी दर्शन कर ले, तो उस परिवार में, कुटुंब में, कुल में दरिद्रता नहीं होगी, रोग कोसों दूर चले जाएंगे, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी, कारोबार में हो चाहे वो परिवार में हो, कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जितने प्राणी हैं उसमें जो प्राणों की व्यापकता है वो देवी की शक्ति ही है। ये माँ का वर्ण, ये उनका। अब कथाओं में क्या मिलता है कि भगवान शिव ने जब इनकी उपासना करी तो इनकी उपासना करने से उनको अर्धनारीश्वर कहलाए, आधा शरीर देवी का और आधा शरीर बाबा का, वो अर्धनारीश्वर कहलाए। अब यहां पे अहिमा गरिमा प्राप्ति प्राकव्या महिमा ये सब ऐश्वर्यता ये सब सिद्धियां लिखी हैं जो कैसे प्राप्त हुई है। और उसमें ये भी लिखा है यहाँ पे कि जो व्यक्ति 9 दिन उपासना करता है उसमें से उसको कुछ तो मिलती है। आप कथा सुनोगे तो कुछ समय तक, उस समय बाद आपके मन में एक आध प्रश्न उठता रहेगा, एक आध स्मरण हमारे श्लोकों का गूंजता रहेगा, गूंज रहा है ना, वो आई ना, वो पावर निकल के देवी भागवत के द्वारा हमारे मुखार से निकल के आप तक पहुंच गई, वो कर्णों के द्वारा आपके शरीर में प्रविष्ट कर गई और वो आपके ऑरा को मजबूत कर गई। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का ये जो स्वरूप है इसका विस्तार रूप से वर्णन भगवान शिव को यहाँ पर है कि वो जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों ने भगवान शिव को संहार करने की वो जो
पावर है, जो शक्ति है, वो पूरे विश्व में फैला दे और उनकी व्यापकता सर्वत्र है। वो स्वयं आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि माँ का नौमी के दिन किस तरीके से आह्वान किया जाए, क्या है कन्या पूजन की विधि, किस तरीके से नौमी के दिन होम हवन किया जाए और कैसे कैसे कन्याओं को घर में बुला के उनकी विधिवत पूजा की। जब हम बात करते हैं कि माँ की पूजा उपासना कैसे की जाए, कन्या विधि क्या है, पूजन विधि क्या है कन्याओं की, तो आपने एक मंत्र पढ़ते रहना। क्या है वो मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। अब इसमें जो भी आप काम करेंगे तो उसमें आप माँ की उपासना कैसे करेंगे। जब हम महा उपाय की बात करते हैं तो महा उपाय में कन्या पूजन का विधान है और कन्या पूजन करते समय एक मंत्र तो आप माँ का दोहराते रहिए। वो मंत्र बताए थे आप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। या इसके अलावा अब माँ का हलवा बनाना है, पूड़ी बनानी है, चने बनाने हैं, खीर बनानी है, जो भी आपने छोले पकवान बनाने हैं माँ के लिए, और वो जो हमने आपको रखवाया था कुष्मांडा वाले दिन कद्दू ला के, उसका भी भोग बना, क्योंकि वो भी प्रसाद स्वरूप वितरण करना है, क्योंकि वो घर में जो दरिद्रता है, कलेशता है, वो सब दूर होनी है। अब ये सब विधान समझने, एक तो नौ कन्याओं को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजिए, एक लांगुर को निमंत्रण भेजिए, अपने घर के ईशान में आप स्थान पहले साफ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए, सुंदर आसन दीजिए उनको, माता के भोग के लिए जो आप लाए हैं वो सब व्यवस्थित कर लीजिए। अब सबसे पहले तो आप हवन करेंगे, होम करेंगे माँ का। समीधा आम की लकड़ी, घुनी भी ना हो, और हवन करने की प्रक्रिया हमने अष्टमी को भी वही प्रक्रिया बताई थी, वो फिर से दोहरा देते हैं। गोला ले लीजिए, गोले में हवन सामग्री भर लीजिए, आम की लकड़ियां लगाइए और प्रयास ये कीजिए कि जो आपके पास सरवा हो तो उससे बनाएं, नहीं तो चम्मच में भी बना सकते हैं, सबके पास सरवे नहीं होते, उसमें लकड़ी लगा के उससे लगा। घी लिए गाय का रख लीजिए, उसमें जल में पात्र भर के रखिएगा साथ में उसके, और हवन सामग्री सबको दे दीजिएगा। जो लोग दूर हैं परिवार के, वो किसी दोने में रख के भी डाल सकते हैं, सुहा वो उसमें कर सकते हैं, और सुहा करते समय हिरण मुद्रा में करना है, इस उंगली का दूरी रखें तो बेहतर, हिरण मुद्रा। अब सब लोग आपके बैठ गए हैं, आप अग्नि आप प्रचंड करेंगे, सप्त जीवाधीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदया, आपकी अग्नि हो गई है, उसमें आपने गोला जो हवन सामग्री मिलाई है उसमें गोले में भर के वो मौली से उसे टांग लीजिएगा ताकि आपको अग्नि में डालते समय आसानी हो। हवन करते समय सभी इस बात का ध्यान रखें, सिर ढक के रखें, तिलक लगाइए हवन कुंड के और गणानांत्वा गणपति गंगवा महे निधिना, तो हवन आप पहले श्री गणेश के ओम गण गणपते नमः की 5 आहुति दे दीजिए, उसके बाद माता के देवी के मंत्र, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्षादिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते स्वाहा, ओम ह्रीं बगलामुखी सर दुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभा जीवाम कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्णुमा स्वाहा।
महालक्ष्मी नमस्तभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रियम नमस्तभ्यम ध्यानिधे, जो आपको मंत्र आता हो उस मंत्र के द्वारा आप फिर पूर्ण आहुति खड़े होके देंगे और खड़े होके पूर्ण आहुति में गोला ले लीजिए। इस तरीके से विधान है, जैसे हमने पहले आप अष्टमी के दिन लिए विधिपत समझा दिया। अब चूंकि आपके हवन हो गया, हवन के बाद हवन कुंड में खड़े होके नारियल कैसे डालना है वो भी समझ लीजिए। ओम पूर्ण मिंद पूर्ण करके आप नारियल छोड़ेंगे, उसके बाद हवन सामग्री सब लोग छोड़ देंगे। हलवा पूड़ी खीर, हलवा पूड़ी खीर जो भी आप लाए हैं, जो भी बनाया आपने, वो यहाँ पे माँ को उसके साथ भोग दीजिए। अपनायन नमः, समायन नमः, व्ययन नमः, उदायन नमः, इस तरीके से आप 5 बार खीर का या हलवे का भी भोग माँ को दे दें। आप इसके बाद आरती की आप तैयारी करेंगे। आरती की थाली हमने बताई थी, 5 दीपक ले लीजिए, गाय का घी भर लीजिए, फूलों से सजा लीजिए, उसके ऊपर रोली से लिख लीजिए ओम, 2 लाइनें खींचिए, स्वास्तिक बनाइए, बिंदी बनाइए, फिर बाहर बिंदी बनाइए, फिर लाइनें खींचिए 2, फिर श्री बनाइए। ये भी सभी देवताओं को समर्पित है, ठीक है। कोई बीच में जाना चाहे, अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भी हो जाता है, कुछ लोग बीच में गया, किसी का आजकल मोबाइल आ गया है, कोई घंटी बज गई है, जाना है तो जल की वो जो बूंदें थी, जो जल रखवाया था उसमें से कुछ बूंदें सकराए नमा करके चले जाइए, नहीं तो उसका फल इंद्र को मिलता है सारा। ये एक विधान। आरती पूरे परिवार वाले करें, देवी की ओम जय अंबे गौरी, बड़ी सुंदर आरती है, उस आरती को कीजिए। और आरती करते समय सभी परिवार वाले मुखमंडल पे चमड़ा, बेल्ट, कोई बंधन, कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। अब वो जो आपने कन्याओं को बुलाया है, उसके बाद मौली तिलक करना है, उनके नीचे जाना है, आपने सब सामान आरती का ले जाइए, क्योंकि आरती सभी को ले लिए, आरती ले लिए और नीचे ले आके आरती आप ले जाइए। जो कन्याएं आपकी आई हैं उनको ईशान में बिठाइए, उनके चरण एक लांगुर के साथ में उनके चरणों को धोइए पहले, उसके बाद उनके मौली तिलक अक्षत पुष्पों की माला लाए हैं या कुछ भी जो भी लाए हैं आप उनको समर्पित दीजिए। हलवा पूड़ी रखिएगा, उनके छोले चने जो भी आपके बनते हैं उनको आप हलवा पूड़ी के साथ जो है रखिए, खीर है वो भी पात्रों से, पात्र ऐसा हो जो वो साथ ले जाएं। ले जाने के लिए भी सुविधा कीजिएगा कि किसी में कोई थैला ऐसा बना के रखिएगा, ले जाएं बिखरे ना, वो हम पहले भी बता चुके। इस प्रकार से कन्या जब आपके घर से विदा होंगी तो उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद कि हमें आशीर्वाद दे के जाओ। ये वो सब कन्याएं हैं, वो नव दुर्गाएं हैं, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक वो सब सिद्धियां आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे लौकिक अलौकिक सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए देवी ने ये अलग अलग रूप रखे हैं, आपकी रक्षा भी करी, आपको सुरक्षित भी करा और आपके जीवन में हो रही कष्ट बाधाओं को दूर करा। अब उनसे जब पूजा करते हैं तो मंत्र, जैसे हमने बताया, तो मंत्र में आप या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धि संतान, जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है कि आपके पास ये इसकी कमी है, वो भगवान से जैसे मांगते हैं ऐसे देवी से आप मांगिए, क्योंकि देवी का अच्छा। इसमें एक और चीज़ है कि देवी से मांगने की प्रक्रिया में निरंतर हर श्वास में निकलनी चाहिए, हर श्वास में आपकी निकलनी चाहिए। इस प्रकार से जब कन्या आपके घर से विदाई लें तो उनको अगले साल जो है कहें कि हम विधि विधान से और अच्छे से आपको देंगे, और अच्छे से हमारे को इतना भरपूर कर दीजिए, इतना पर्याप्त करा दीजिए कि हम जो है इच्छाओं की अपनी पूर्ति करेंगे।
सिद्धिदात्री की कथा में यही है कि भगवान शिव अर्धनारेश्वर हुए तो आपके घर में पुरुष और स्त्री के बीच में जैसे कि भगवान शिव और पार्वती के 36 गुण मिले हैं, 36 में 36 गुण मिलते हैं कुंडली अष्टकूट मिलान में, उसी तरीके से आपकी एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता बनी रहे, परिवार में मिलनसारता बनी रहे, परिवार में किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा ना आए। एक इसमें और विधान है कि जब हम ज्योत अखंड जो होती है, वो लोग कुछ लोग क्या करते हैं, जो चलने दीजिएगा, जब तक ज्योत जलेगी अति उत्तम, ये भी बात समझ लीजिए। हवन समीधा का जो भी सामान है उसको आप परवाह करें, फेंकें नहीं, कहीं डालें नहीं, परवाह करें। प्लास्टिक को छोड़कर बाकी समस्त प्लास्टिक जो है आप हटा दीजिए अलग से। जब कन्याएं जाएं उसके पश्चात कभी भी झाड़ू ना लगाएं, कभी भी स्नान ना करें, ये समझ लीजिए, झाड़ू बुहारी नहीं लगानी, स्नान आदि नहीं करना, इन बात का ध्यान रखना होगा आप लोग। छोटी कन्या, घर की कन्या या उसके एक्स्ट्रा कोई आ गई हैं आपके घर में, उनको अलग से आप भोजन दे दीजिए। सर्वप्रथम घर की महिलाओं को और कन्याओं को भोजन दीजिए, उसके पश्चात स्वयं खाइए, स्वयं प्रसाद पाइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज हमने सिद्धिदात्री को समझा कि माँ माई ने हम पर कैसे कृपा बरसाई, किस प्रकार से आपके घरों में सभी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करी। 9 दिनों में हमने महामाई का गुणगान किया, महामाई से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा और प्रयास ये किया कि वो सबकी बुद्धि निर्मल निश्चल बना के रखे, सबकी तिजोरी भर के रखे, सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करके रखे। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके नवरात्रे मंगलमय हों। जय माता श्री।